गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या है? इन दिस मार्केट आर फाउंड मैनी सेलर एंड मैनी बायर। इस बाजार में बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर पाए जाते हैं, उसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कहते हैं। इसमें ये भी कह सकते हैं जिसमें बहुत सारे बेचने वाले और बहुत सारे खरीदने वाले पाए जाते हैं, उसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कहते हैं। एवरी सेलर प्रोडक्ट आर सेम बट डिफरेंट बेसिस ऑफ ब्रांड एंड क्वालिटी। एवरी प्रोडक्ट, प्रत्येक प्रोडक्ट क्या होता है? सेम होता है, परंतु वो ब्रांड और क्वालिटी के आधार पर क्या होता है? डिफरेंट, अर्थात अलग अलग होता है। एग्जाम्पल कोलगेट और क्लोजअप, लक्स और डव। क्या है? प्रोडक्ट सेम है, दोनों का यूज किसके लिए किया जाता है? टूथपेस्ट करने के लिए। लेकिन क्या है? ब्रांड और क्वालिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे लक्स और डव, दोनों का यूज किस में किया जाता है? नहाने में किया जाता है। बट क्या है? ब्रांड और क्वालिटी क्या है? डिफरेंट है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अब इसके फीचर, इसके 6 फीचर हैं। फर्स्ट फीचर है मैनी सेलर। इन दिस मार्केट आर फाउंड मैनी सेलर। सेकेंड है मैनी बायर। इन दिस मार्केट आर फाउंड मैनी बायर। थर्ड पॉइंट है हमारा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ न्यू फर्म। इसमें क्या है? कोई भी फर्म एंट्री कर सकती है मार्केट में और कोई भी फर्म मार्केट को छोड़कर जा सकती है। किसी भी फर्म पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। उसके बाद है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है बेसिस ऑफ ब्रांड एंड क्वालिटी के बेस पर। उसके बाद है परफेक्ट, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। इसमें क्या होता है? जो सेलर और बायर होते हैं, जो उनकी नॉलेज होती है वो लैक होती है। लैक मतलब लेस होती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में न तो सेलर को पूरा पता होता है न बायर को पता होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्या होती है? लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? एवरी फर्म क्या चाहती है? अपने प्रोडक्ट को मोर देन सेल करने के लिए क्या लगा? सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? जो एडवर्टाइजमेंट पर जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग कॉस्ट। मान लो अब हम डव साबुन यूज कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कैसे पता चला? बहुत सारे सोप हैं मार्केट में, कोलगेट हैं, अच्छा शैम्पू हैं, तेल हैं, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? एडवर्टाइज के द्वारा। एडवर्टाइज में हम देखते हैं फिर उनका यूज करते हैं। अर्थात एवरी सेलर क्या करता है? अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या करता है? सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट पर पैसे स्पेंड करता है, उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग कॉस्ट।